एक और उपलब्धि जुड़ गई है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बनकर उभरे हैं। एक्स पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन को पार कर गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 38.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, दुबई के वर्तमान शासक एच शेख मोहम्मद के 11.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, एंड्रेस मैनुअल मैक्सिको के 10.9 मिलियन फॉलोअर्स, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के 6.5 मिलियन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के 2.4 मिलियन। इन सभी वर्ल्ड लीडर से प्रधानमंत्री मोदी फॉलोअर्स के मामले में कहीं आगे निकल गए हैं। 1 मिलियन में 10 लाख की संख्या होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यानी 10 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स पर फॉलो कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके फॉलोअर्स, उनको सुनने वाले, उनको समझने वाले, उनकी बातों पर गौर करने वाले, भारत को किस तरीके से उन्होंने 2014 के बाद अब 2024 के 10 सालों में कहां से कहां पर पहुंचा दिया, उसको लेकर देश विदेश में उनको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या इस हद तक बढ़ी कि वो संख्या अब 10 करोड़ हो गई है, मतलब 100 मिलियन हो गई है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 3.81 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, 2.15 करोड़ लोग तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान को फॉलो करते हैं। इसके धीरे धीरे आगे बढ़ें तो 1.12 करोड़ लोग सऊदी अरब के प्रिंस को फॉलो करते हैं, और इसी तरीके से ये संख्या, ये नाम आगे बढ़ते जाते हैं। एंड्रेस मैनुअल मैक्सिको, उसके बाद 1.09 करोड़ लोग उन्हें फॉलो करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 करोड़ फॉलोअर्स से आगे संख्या जा चुकी है। संवाददाता बहुत जल्दी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे इस जानकारी के साथ कि प्रधानमंत्री के 100 मिलियन फॉलोअर्स का मतलब क्या समझा जाए, इसके मायने क्या होंगे। लेकिन तब तक हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स जहां एक पैमाना हो गया है कि आप कितना प्रसिद्ध हैं लोगों के बीच में, कितना फेमस हैं, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो उस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर हैं, जहां 10 करोड़ लोग से ज़्यादा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिनको 3.81 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं, यानी 38.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, दुबई के वर्तमान शासक शेख मोहम्मद के 11.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, एंड्रेस मैनुअल मैक्सिको के 10.9 मिलियन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के 6.5 मिलियन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी 2.4 मिलियन फॉलोअर। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे इस मायने को समझाने के लिए कि फॉलोअर्स की संख्या 100 मिलियन पार करने का जो मायने हैं वो क्या निकाले जाएं, क्या समझे जाएं। लेकिन जहां सोशल मीडिया एक्स देश दुनिया में चल रही गतिविधियों को बिना किसी देरी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाने का जरिया है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत बन के उभरे हैं जिन्हें मानने, जानने, समझने और फॉलो करने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। अगर फ़र्क ही देख लिया जाए तो करीब करीब
6 करोड़ का फर्क, 6 करोड़ 20 लाख का फर्क है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर सबसे पसंदीदा नेता बन गए हैं। फॉलोअर्स की संख्या एक्स पर 100 मिलियन के पार चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम दुनिया का एक और बड़ा रिकॉर्ड इस वक्त बन गया है। एक एक करके आप सभी लोगों को समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन फॉलोअर यानी 10 करोड़ फॉलोअर पार कर गए हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति 38.1 मिलियन फॉलोअर यानी 3 करोड़ 81 लाख फॉलोअर हैं। आयुष शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आयुष, इसके मायने क्या समझे जाएं? बिल्कुल, इस खबर के सीधे सीधे मायने यही हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भारत के साथ साथ पूरे विश्व में बढ़ रही है, तो उससे लोग उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाहर देशों के भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कनेक्टिविटी, एक जुड़ाव फील करते हैं। ये वो जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसकी वजह से इतने लोग इतनी मात्रा में नरेंद्र मोदी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और पिछले 3 सालों में अगर हम देखें, जिस प्रकार से 30 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, तो पूरे विश्व में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वो यहां पर साफ और स्पष्ट नजर आती है। क्योंकि अगर हम विश्व स्थल पर देखें, विश्व के पैमाने पर देखें, तो अन्य कई नेता, कई ऐसे देश हैं जो भारत से ताकतवर भी है, जहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो भारत से ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है। कई ऐसे देश हैं जो लोगों के सपना है उन देशों तक जाना, लेकिन ऐसे में भी भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की जो छवि है वो जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, वो लोगों को उनके साथ एक जुड़ाव का एहसास महसूस करवाती है। और यही वो जुड़ाव है जिसके चलते लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। फिर बात करें अगर हम दूसरे नेताओं की, जिसमें सऊदी के प्रिंस हो गए, US प्रेसिडेंट हो गए, फ्रांस प्रेसिडेंट हो गए, इनसे भी ज़्यादा लोकप्रियता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पे साफ साफ देखने को मिल रही है। जी, 6 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स का अंतर है प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच में। सोशल मीडिया एक्स अमेरिका की ही उपज है, वहाँ की ही कंपनी है और उसका जो इस्तेमाल होता है वो पूरी दुनिया में अपने नीतियों, अपनी बातों को, अपने संबंधों को प्रचारित करना और पहुँचाना होता है। तो ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन कम्युनिकेटर भी साबित हुए हैं इसके चलते। बिल्कुल, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुने, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात को जनता के सामने रखते हैं, फिर चाहे वो जनसभा में अपनी बात कहना हो, किसी रैली में अपनी बात कहना हो, ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाना हो मीडिया के जरिए, या फिर सोशल मीडिया पर अपनी कोई टिप्पणी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं, तब ये चीज़ देखने को मिलती है किस प्रकार से लाइक्स, रीट्वीट उनके ट्वीट पर लगातार बढ़ते रहते हैं, कॉमेंट्स आते रहते हैं। ये लोकप्रियता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि लोग सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं। अगर उनका एक्स अकाउंट हम देखें और खासतौर पर कमेंट सेक्शन में जाएं, तो भारत के लोग जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, लेकिन दूसरे देशों से जिसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, रशिया, अमेरिका, ऐसे कई देश हैं जिसके लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। अगर प्रधानमंत्री का यूट्यूब भी हम देखते हैं जिसपे उन्होंने अपनी कोई बात कही होती है, खासतौर पर जब मन की बात अपलोड किया जाता है सोशल मीडिया पर, उसमें भी कई देशों के लोग ऐसे हैं जो कॉमेंट करते हैं अपनी अपनी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को ट्रांसलेट करके कैप्शन के साथ, लोग सुनना पसंद करते हैं। जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों में, अपनी स्पीच में देते हैं, वो विजन लोगों को पूरे विश्व में पसंद।